और देखिए बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ वो भी नौवीं बार लेने जा रहे हैं। 19 साल में 8 इस्तीफे, नौवीं बार सीएम, नौवीं बार सीएम की शपथ लेंगे नीतीश। और आज 9 विधायक उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा रहे हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको वहां पर डेप्यूटी सीएम बनाया जा रहा है। तो अगर 9 मंत्री भी आज शपथ ले रहे हैं और साथ में 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले रहे हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन रहे हैं, तो देखना यह है कि अब ये क्या वो जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं उनके जो मंत्री होने वाले हैं उनको आज शपथ दिलाई जा रही है क्या, और क्या 9 मंत्री अलग से हैं या 2 उप मुख्यमंत्री मिलाकर जो लोग 9 और शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के अलावा, वो 9 लोग असल में इनके साथ होंगे। मतलब क्या ये 7 होंगे और 2 वो होंगे, ये अभी हम आपको बताते हैं। कुल मिलाकर जो इस समय स्थिति है वो ये है कि जेपी नड्डा दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। जेपी नड्डा शाम को 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम में क्या स्टेटमेंट सामने लाती है वो भी देखने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अनुभव जाहिर है कई चीज़ों के साथ ऐसा है कि उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो उसको लेकर। और जनता के सामने जब आप जा रहे हैं अपने काडर को भी संदेश देना है, वोटर को भी संदेश देना है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उस पर हमारी निगाह रहेगी। और ये देख लीजिए आप 2005 से लेकर आज तक का पूरा सफर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का हम दिखा रहे हैं। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोजगार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार। देखिए यहाँ पर बयान जो है वो अब सामने आ रहा है। हमने देखा था जैसे राजभवन से बाहर निकले थे नीतीश कुमार और उसके बाद उनका बयान यहाँ पर सामने आया था, बहुत शांति उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। कह रहे थे हमने बड़े प्रयास किए एनडीए गठबंधन के लिए, भी तब भी कुछ नहीं हुआ। और अभी ये बड़ी खबर देखिए, शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। जेपी नड्डा का पहुंचना, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है दिल्ली से। तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया, आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई, और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया, और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते, नहीं, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है, हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ
वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको, किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी, क्या तर्क देंगे उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायक समूहों के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया जिस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया, किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाए? लगभग हर जगह निपटा है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे, 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे, चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं, हम लोग तो रात रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है, कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है, आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको, अब देखिए अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए, कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं। और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पर जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था, आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हर जगह आप साथ बैठे हैं। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों ने बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया, कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे, बीजेपी की शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना, इससे ज्यादा भी हम इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए, पूरा देश पूछ रहा है। नहीं, इस पे क्या बोलना, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी। अभी हमको कुछ ज्यादा नहीं कहना है, तेजस्वी कह रहे हैं जनता इस पर जवाब देगी, लेकिन एक चीज इसमें जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि वो अपने कामों को यहाँ गिनाने लगे हैं, वो ये बताने लगे हैं कि हमने देखिए किस तरीके से नियुक्ति पत्र दिए, हम अपॉइंटमेंट लेटर्स देना हमने शुरू किया, हमने लाखों नौकरियां दी, इसके पहले अपॉइंटमेंट लेटर्स इस तरीके से सरकार की तरफ से सार्वजनिक रूप से बांटे नहीं जाते थे, हमने किया पहली बार, और उसके बाद केंद्र सरकार ने करना शुरू किया। तो जब आप काम गिनाने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि वो काम गिनाकर आप जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ में जब ये कह रहे हैं कि अभी खेला होबे, मुझे नहीं लगता कि और किसी खेला की अब गुंजाइश बची है, इसीलिए आप काम गिना रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हम इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत सिंह हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए, विद्यानाथ झा भी लगातार बने हुए हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करते हैं। साकेत, यहाँ पर अब जब आकर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 19 महीनों में तो जो काम हुआ वो
इससे पहले किसी राज्य में हुआ ही नहीं है, मतलब इतना अच्छा काम कर दिया और इसीलिए चले गए नीतीश कुमार। साकेत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीरें भी जरा समझा दीजिएगा। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण जो है वो वहां पर होना है और तेजस्वी ने अपनी पूरी भड़ास भी यहां पर निकाल दी है, ये कहते हुए कि खेला होना बाकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखा दूं, यहाँ राजेंद्र मंडपम है, ये राज्यपाल भवन के अंदर, ये इसी में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा और उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सभी नेता जो है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, जेपी नड्डा भी पटना पहुँच गए हैं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे इस जगह पर जहाँ पर ओथ सेरेमनी होना है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई है, 8 कुर्सियाँ यहां पर लगाई गई है, यानी कि 2 डिप्टी सीएम और उसके अलावा 6 मंत्री यहां पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री ऊपर जो कुर्सी लगी हुई है वो वहां बैठेंगे। तो ये कुल जो है वो 9 मुख्यमंत्री लगाकर 9 लोग यहां पर ओथ लेंगे और उसकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से उन्होंने बयान जारी करके बताया है कि खेला होगा और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, वो अब उसको लेकर जो एनडीए गठबंधन है, चूंकि अब नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट हैं, तो क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ कहते हैं इस बैठक ओथ सेरेमनी के बाद, जरूर ऐसा ये सवाल इन लोगों से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि 9वीं बार नीतीश कुमार यहाँ पर शपथ लेने के लिए तैयार है। उनके लिए पूरा जो ये राजभवन का ये राजेंद्र मंडपम है, इसको तैयार कर दिया गया है। आप देखिए सामने जो मंच है, मंडपम तैयार है। मंडप जब आप याद करते हैं, असल में मंडप को लेकर जो कॉनोटेशन है वो विवाह का कॉनोटेशन है। तो एक बार फिर से ये गठबंधन जो हो रहा है, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष इस बीच दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे हैं 6 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। 6 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों को वो हाईलाइट करेंगे? उधर से आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इतने काम कर दिए थे डेप्यूटी सीएम होने के बावजूद, ये असुरक्षित महसूस करने लगे थे नीतीश कुमार, इनसिक्योर महसूस करने लगे थे, इसलिए छोड़ गए, पहुंच गए। देखिए जेपी नड्डा पटना, वहां लैंडिंग के बाद चिराग पासवान भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान उनके साथ, जेपी नड्डा यहां पहुंच गए और वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर, और एक्सक्लूसिव जानकारी लगातार विद्यानाथ झा आप तक पहुंचा रहे हैं। विद्यानाथ झा के पास इस समय क्या अपडेट है, ये जानने के लिए उनके पास चलते हैं। विद्या, जी बिल्कुल दिनेश, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यहां की राजभवन की तस्वीर देखिए। राजभवन का जो मुख्य द्वार है वहां पर तमाम विधायकों की गाड़ियों की लाइन लग गई है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले जो स्क्रीन पर तस्वीर है वो अपने दर्शकों को बता देता हूं। जेपी नड्डा है, सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं और साथ में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। और जेपी नड्डा वहां जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां वीआईपी लाउंज जो है वहां जाकर वो बैठ रहे हैं और पटना से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। क्या इन तस्वीरों पर, उन तस्वीरों पर हम आएंगे विद्यानाथ झा जो आप दिखाने वाले हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर क्या चर्चा कर लें हम फिलहाल, ये तस्वीरें और यहां पर लोगों की मौजूदगी, और क्या चल रहा होगा जेपी नड्डा के दिमाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? और तस्वीरें देखिए, इसी बीच यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पटना। सम्राट चौधरी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो सम्राट चौधरी जिनके बयान आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होंगे, नाम डिप्टी सीएम को लेकर उनका यहाँ पर आगे। चिराग पासवान यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बयानबाजी की थी। आज भी जब उनसे पूछा गया था कि अब क्या वाकई में एनडीए में साथ में रहकर काम कर पाएंगे जनता के लिए, तो उन्होंने कहा नीति से हमारी समस्या हमेशा नीति विरोधी रही है, अगर नीति उनकी ऐसी रहेगी तो फिर हम फिर सवाल खड़े करेंगे। लेकिन क्या ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में लंबे वक्त तक बनी रह पाएंगी, ये तो खैर भविष्य बताएगा। लेकिन आज अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, जेडीयू बीजेपी नेताओं का राजभवन पहुंचना जो है वो लगातार जारी है। शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे, विधायकों का राजभवन पहुंचना जारी। और ये तस्वीरें आप जेपी नड्डा की देख रहे हैं जो पटना पहुंच चुके हैं। साकेत हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। साकेत, तो अब लोगों के जहन में कोई क्यूरियोसिटी बाकी है या सबका उत्तर लगभग मिल गया है, अब बस केवल शपथ ग्रहण होना देखना चाहते हैं लोग? देखिए
देखिए फिलहाल तो अभी शपथ ग्रहण ही होना है और यहाँ पर जो तैयारी है वो भी चली रही है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि तमाम तैयारी हो चुकी है। जेपी नड्डा का इंतजार किया जा रहा है, उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँचेंगे। एक दो मंत्री की जो कुर्सी थी वो भर भी गई है। आप बिजेंद्र यादव को देख पा रहे होंगे, बिजेंद्र यादव यहाँ पर मंत्री वाली कुर्सी जो लगी हुई है मंच के नीचे वहाँ पर बैठे हुए हैं। वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के ऊर्जा मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में और फिर से एक बार उनको मंत्री बनाया जा रहा है। उनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, उसके बगल में जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, इनको भी फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश सरकार में ये मंत्री थे जब, हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया जब जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए और शपथ लेंगे, मतलब एनडीए में आ गए तो शपथ लेंगे, इस्तीफा दे दिया था। तो दो मंत्री ने अपनी जगह तो बना यहाँ पर, यहाँ ग्रहण कर लिए और हो सकता है वहां पर मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह, यहाँ पर मंत्री पद की यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। हम वापस आके आपके पास लौटेंगे। विद्या वहां पर मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर, वहां पर हलचल थोड़ी तेज होगी, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जी विद्या बताएं जरा। जी मैं तस्वीरों के साथ दिखाता हूं कि यहां पर देखिए अब सिक्योरिटी, क्योंकि जो सीएम आवास है उसका जो गेट है वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुछ ही देर में नीतीश कुमार इसी गेट से होकर राजभवन की तरफ बढ़ने वाले हैं और राजभवन का जो गेट है वो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। तो नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे, क्योंकि हम आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि यहां देखिए काफी बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला आपको नजर आएगा और ये तमाम विधायक हैं, जेडीयू और आरजेडी के विधायक हैं, ऊपर कार्यकर्ता जो राज्य भर से यहां पर पहुंचे हुए हैं वो खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो काफी उत्सुक हैं। तो दूसरी तरफ मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, जरा दिखाता हूं कि देखिए यहां पर ढोल और नगाड़े बजने लग गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के सर पर एक बार फिर से सहरा सजने जा रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़कर। और ये सही मायने में अगर देखें तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने ही विधानसभा का चुनाव मिलकर साथ लड़ा था। बाद में भले ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, वो बेमेल गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि ये जो गठबंधन है ये बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल सकता है और यही वजह है 535 दिन बीतने के बाद। अब इसको आप जल्दी कहेंगे, विलंब से कहेंगे, एहसास कब हुआ? मैं आपके पास वापस लौटता हूं विद्यानाथ झा, एक बार फिर से साकेत के पास चलते हैं। साकेत, तो वो जो कुर्सियां मंत्रियों के लिए लगाई गई हैं, 9 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, 2 मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, उनमें से 2 चेयर ऑक्यूपाई हो गई हैं आप बता रहे थे, कोई और बैठा दिख रहा है आपको? साकेत साकेत अपने फोन की तरफ देख रहे हैं, क्या उनको आवाज जा रही है? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि तो हम जो कह रहे थे जहां मोदी वहां हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात में कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर संतोष सुमन का वहां बैठा होना ये बता रहा है कि मांझी परिवार प्रसन्न है। लेकिन अब और कौन कौन शपथ ले रहा है? विजय सिन्हा शपथ ले रहे हैं, सम्राट चौधरी शपथ ले रहे हैं, और कौन कौन शपथ ले रहा है ये हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे, लेकिन यहाँ वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है और अभी फिलहाल तो बिजेंद्र यादव जो मंत्री हैं, जो ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं और अभी भी हैं, और उनको फिर से एक बार मंत्री पद दिया जा रहा है। उसके बाद जो जो संतोष सुमन है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। वो पहले भी मंत्री थे लेकिन जब महागठबंधन से अलग हुए रामाजी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरी तरफ जो भी कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, विधायक हैं जेडीयू बीजेपी के, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए मंच पर भी तैयारी चल रही है, आप मुख्य सचिव को देख पा रहे होंगे, आमिर सुभानी है मुख्य सचिव, वो भी यहाँ पर मंच पर पहुंच गए हैं। यानी कि अब बस चंद मिनट का वक्त और है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचेंगे, फिर से एक बार 9वीं बार शपथ लेने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा, 8 मंत्री शपथ लेंगे जिसमें 2 डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों के अलावा श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जेडीयू से यहां पर ओथ लेंगे, प्रेम कुमार बीजेपी से ओथ लेंगे, उसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 और बीजेपी, यानी 3 बीजेपी हो गए, 3 जेडीयू से, 1 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन है और 1 निर्दलीय सुमित कुमार यहां पर शपथ लेंगे। तो वो पूरी
तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। बहुत से नेता यहाँ पहुंच भी गए हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका पटना आगमन हो गया है और वो पटना एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ देर में वो तस्वीरें भी आ जाएंगी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जो है वो वहां अपने आवास से निकलेंगे और राजभवन पहुंचेंगे। बातचीत है विद्यानाथ झा की, बहुत जल्द हम आपको दिखाते हैं। कुछ एक ग्लिचेस आ रहे हैं। क्या भूमिका रहने वाली है सरकार में? नहीं देखिए, हम लोग गठबंधन के हिस्सा हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोगों की जो भूमिका होगी उस भूमिका में हम लोग हैं और रहेंगे आवश्यकता अनुसार। ये पॉलिटिक्स में जो आप सुन रहे हैं आवश्यकता अनुसार, ये बहुत इस समय असल में किसी ने एक कार्टून भी बनाया, उसने मुख्यमंत्री के तौर पर सामने दिखाया नीतीश कुमार को, और जो रिपोर्टर है पूछ रहा है क्या थे आप, तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या हैं मुख्यमंत्री? किस पद से इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री? क्या बनने के लिए मुख्यमंत्री? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत। फुटन की स्थिति में थे, वहां से निकल जाए नीतीश जी, इस बात का आग्रह हम उनसे बार बार कर रहे थे, तो नीतीश जी निकल आए। मेरे लिए खुशी की बात है कि जान तो बची नीतीश जी की। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने वो काम कर दिया है जो 17 साल में भी ये गठबंधन नहीं कर सकता। नहीं, ये तो बिल्कुल सरकार, पूरी सरकार काम करती है, जिसके हेड मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें कोई एक इंडिविजुअल क्रेडिट ले इसका कोई अर्थ नहीं। आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है सरकार में? नहीं देखिए, हम लोग गठबंधन के हिस्सा हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोगों की जो भूमिका होगी उस भूमिका में हम लोग हैं और रहेंगे। सरकार में कितनी सीटें आपके लिए होंगी? अब इसका वो तो समय पर बताएंगे।